यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग ने संकेत दिए कि राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। फाइनल वोटर लिस्ट भी 5 जनवरी के बाद ही आएगी। चुनाव आयोग ने वोटिंग टाइम भी 1 घंटा आगे बढ़ा दिया है। पहले यूपी में वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती थी, लेकिन अब 6 बजे तक होगी। दरअसल देखा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता, कोरोना संक्रमित मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। आयोग ने कहा, हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव करवाए जाएं। रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथकर्मी की भी मांग की गई है। यानी कि चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग बड़े स्तर पर कदम उठा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि शायद फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और मार्च तक नतीजे आ सकते हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।